नमस्ते इन वीडियो वी विल डिस्कस सम ऑफ 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 द द मेन पॉइंट्स ऑन एंटायर प्रोसेस रजिस्ट्रेशन अ प्रॉपर्टी और साथ ही साथ क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होती हैं प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करने के लिए इसकी भी बात करेंगे ऑल दो दिस प्रोसेस इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स एंड इट मे रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स बाय द रजिस्ट्री ऑफिस सो इंडिया में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करने के क्या सेवन स्टेप्स है उसके बारे में हमने आपको बताया है सो हैव अ लुक ऑन दिस वीडियो the first step is to choose the property and look for all the details in the property and then negotiate the price with the seller after this appco's property go book and the seller 10% as a booking amount wo property kisi aur ko sell na kar hence after all that process between the seller and buyer the seller will give you an agreement to sell of that property द नेक्स्ट वन इज़ कि बायर को हमेशा उस प्रॉपर्टी को प्रॉपरली चेक कर लेनी चाहिए कि उस प्रॉपर्टी पर किसी भी तरीके का लाइंस टैक्सेस या कोई अदर इनकमेसिस ड्यूज़ नहीं हो अगर मान लीजिए कि उस प्रॉपर्टी पर किसी भी तरीके का ड्यूज़ रहता है तो पहले सेलर उन लोन्स को या ड्यूज़ को पे करेगा उसके बाद ही वो आपको उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है साथ ही आपको बता दे कि अगर उस प्रॉपर्टी पर कोई ड्यूज़ बाक़ी रह जाता है तो सब रजिस्ट्रार उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर नहीं करता है डेट्स वाई यू मेक श्योर अबाउट दिस नाउ इन द नेक्स्ट प्रोसेस कैलकुलेट दिस द्प ड्यूटी क्योंकि स्टैंप ड्यूटी इन द स्टेट प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने वाला एक लेवल टैक्स माना जाता है एंड एज वी ऑलरेडी नो और जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है कि स्टैंप ड्यूटी स्टेट टू स्टेट वेरी करता है दैट्स व्हाई वी शुड ऑलवेज पे द स्टैम्प ड्यूटी अकॉर्डिंग टू द स्टेट यू कैन जस्ट चेक द वीडियो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ आपको बता दें कि स्टैम्प ड्यूटी सर्कल रेट या मार्केट रेट जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है उस पर कैलकुलेट की जाती है सो जनरली यह थ्री टू टेन परसेंट होती है ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू एंड वन परसेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन चार्ज नाउ वी विल डिस्कस द मेथड्स ऑफ पेमेंट फॉर स्टैम्प ड्यूटी सो देयर आर थ्री मैथड्स टू पे दिस स्टैंप ड्यूटी द फर्स्ट मेथड इज नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर इसमें स्टैंप ड्यूटी अगर रुपीजन लाख की है तो हमें रुपीजन लाख का पेपर खरीदना चाहिए जिस पर सेल डीट पहले से ही प्रिंटेड रहेगी द सेकेंड मेथड इज फ्रेंग मेथड जिसका मतलब होता है कि पहले हमें प्लेन पेपर पर सेल डीट को प्रिंट कराना होगा जिससे चेक कैश ऑनलाइन डी डी ड्राफ्ट में स्टैंप ड्यूटी को पे कर सके क्योंकि इसके बाद ही बैंक सेल डीट को ऑथराइज करता है द लास्ट एंड थर्ड वन इज ई स्टैम्पिंग ये मेथड सभी डिटेल्स को मेंशन करता है जिससे सभी डिटेल्स ऑनलाइन जनरेट होती है उसके बाद स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट डब्ल्यू पर जाए और ई e स्टैम्प जमा करें नेक्स्ट देर इज अ पॉइंट टू कीप इन माइंड कि जो भी बायर्स होते हैं उन्हें स्टैम्प ड्यूटी का कैलकुलेशन पता होना चाहिए और साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि जब भी वो किसी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री करवाते हैं तो ये सारे टैक्स पेएबल होते हैं देयरफॉर यू मस्ट कैलकुलेट दी प्रॉपर्टी वैल्यू टू डिटरमाइन स्टैंप ड्यूटी वेयर प्रॉपर्टी वैल्यू मीन्स द मैक्सिमम ऑफ एक्चुअल वैल्यू और सर्कल रेट एंड जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि स्टैम्प ड्यूटी उस प्रॉपर्टी वैल्यू पर ही पे की जाती है जिसकी वैल्यू ज्यादा रहती है सो हेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेशन मान लीजिए आपने रुपीज फोर्टी लैख की प्रॉपर्टी खरीदी है एंड सर्कल रेट जो रुपीज फिफ्टी लैक का है एंड आपको बता दे कि ये एक गवर्नमेंट पब्लिश रेट होता है और ये हर स्टेट में अलग अलग नामों से जाना जाता है और अगर आप जानना चाहते हैं उन नामों को तो आप हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर विजिट कर सकते हैं सो इन दिस केस बिकॉज द सर्कल रेट इज ग्रेटर देन द एक्चुअल रेट यू हैव टू पे अ स्टैम्प ड्यूटी ऑन रुपीज फिफ्टी लैक्स एंड इन अनदर केस लेट्स अज्यूम कि आपने प्रॉपर्टी रुपीज़ नाइनटी लाख की खरीदी है एंड सर्कल रेट रुपीज़ एटी लाख की है तो इन दिस केस यू हैव टू पे स्टैंप ड्यूटी ऑन द एक्चुअल रेट ऑफ द प्रॉपर्टी और मार्केट वैल्यू जो है रुपीज़ नाइन्टी लाख की तो आपको स्टैम्प ड्यूटी ऑन रुपीज नाइन्टी लैख पे करना होगा सो so, इस तरीके से आप स्टैंप ड्यूटी कैलकुलेट कर सकते हैं फर्दर मोर आप स्टैंप ड्यूटी को ऑनलाइन भी एस्टिमेट कर सकते हैं क्योंकि ये सिटीज के अकॉर्डिंग वेरी करता है लाइक इन लार्ज सिटीज और टाउन्स स्टैम्प ड्यूटी ज़्यादा रहती है एज कम्पेरिजन टू स्मॉल टाउंस और सिटीज़ आफ्टर द कैलकुलेशन एंड मेथड्स ऑफ स्टैम्प ड्यूटी द नेक्स्ट स्टेप इज टू ड्राफ्ट एंड प्रिंट सेल डेट जिसे हम कन्वीनियंस डेट या गिफ्ट डेट भी कहते हैं बेसिकली इन सभी डेट्स का एक ही मतलब होता है कि इन सारी डिटेल्स को इन डीट्स में मैंशन किया जाता है फॉर एक्जाम्पल द एड्रेस नेम एज ऑफ द बाय एंड सेलर साथ ही साथ इसमें यह भी डिटेल्स मैंशन की जाती है कि आपने पेमेंट किस तरीके से की हुई है फॉर एग्जाम्पल चेक एंड द चेक नंबर होते हैं बैंक ड्राफ्ट से की है तो ड्राफ्ट नंबर होता है कैश और एनी अदर मेथड सो आफ्टर ऑल दिस डिटेल्स आपको सेल को पेपर पर प्रिंट कराना होगा जिस पर सभी पेजेस पर बायर और सेलर दोनों का साइन होना मैंडेटरी होता है और उसके अलावा दो विटनेसेस का भी साइन होना जरूरी है जो कि सेल डीट के लास्ट पेज पर कराया जाता है क्योंकि इसके बाद ही सेल डीट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं सेल डीड को और अच्छे से समझने के लिए आप हमारा सेल डीड पर वीडियो भी देख सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जब एक बार आपकी सेल डेट ड्राफ्ट और प्रिंट हो जाएगी तो उसके बाद आपको अपना सेल डीड सब रजिस्ट्रार में रजिस्टर कराना होगा यू मस्ट रजिस्टर योर प्रॉपर्टी एट यूर फिक्स पर यूर प्रॉपर्टी लोकेशन अब आप सोच रहे होंगे आप कैसे कॉन्टेक्ट करें तो ईजली आप अपने नियर सब रजिस्टर ऑफिस को ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं एंड इवन ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं नहीं तो आपको सब स्टार ऑफिस से टोकन नंबर भी मिल जाएगा देरफोर आगे सेल रेट को रजिस्टर करने के लिए बाय एंड सेलर उनके साथ और दो विटनेसेस का भी रहना कम्पल्सरी है ऑफिस में फॉर दी फर्दर प्रोसीजर लेकिन आपको यहाँ एक पॉइंट बता दें कि अगर किसी कारणवश बायर या सेलर में से कोई नहीं आ पाता है तो उनके बिहाफ पर पावर अटॉर्नी का रहना प्रेजेंट रहना कम्पल्सरी होता है और साथ में रजिस्ट्री करते समय दोनों पार्टीज़ यानी बायर और सेलर और दोनों विटनेसेस का सारे डॉक्यूमेंट्स का लाना अपने साथ कंपल्सरी होता है फॉर एग्जाम्पल एन आइडेंटिटी कार्ड आधार कार्ड और अपने साथ की तीन फोटोज जो फोटोजीट के साथ अटैच की जाती है देन आपके सिग्नेचर्स एंड फिंगरप्रिंट्स भी लिए जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द सब रजिस्ट्रार फॉर सिक्योरिटी दिक्योरिटी आपको बता दें कि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सब रजिस्ट्रार डॉक्यूमेंट्स का क्रॉस वेरिफिकेशन कर सके और आगे रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ योर प्रॉपर्टी आपको अपना रजिस्टर्ड सेल डीट कलेक्ट करना होगा जिसके लिए आपको वहां से एक टोकन स्लिप मिल जाएगी आपके साइन डेट के अकॉर्डिंग

प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र में आपको अपने प्रॉपर्टी का म्यूटेशन करवाना होता है जिसमें आपको लैंड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाना ज़रूरी होता है अगर आपने ऐसा नहीं कराया तो आपकी प्रॉपर्टी कम्पलीटली ट्रांसफ़र नहीं मानी जाती है सो so, म्यूटेशन का मतलब बेसिकली ये है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी रूरल एरिया या मनसिपल लिमिट के बाहर है तो वहाँ पर आपको लैंड रिकॉर्ड्स में नाम चेंज कराना होता है आपको बता दें कि लैंड रिकॉर्ड्स को हर स्टेट में अलग अलग नामों से जाना जाता है फॉर एग्जाम्पल जामाबंदी इन हरियाणा पंजाब एंड राजस्थान खतौनी इन उत्तर प्रदेश सात बाई बारह इन गुजरात एंड महाराष्ट्र खतियान इन ओडिशा वेस्ट बंगाल एंड बिहार और अगर आप चाहते हैं कि आप भी इन सभी लैंड रिकॉर्ड्स के नाम जान पाए उनके स्टेट के अकॉर्डिंग तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट कर जाने अपने स्टेट का लैंड रिकॉर्ड नेम so after the mutation the process of property registration is complete thank you आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए stay tuned and take care